हेलो मैं प्रीति तिवारी गाज़ियाबाद से मेरी शादी को अप्रॉक्स पाँच साल हो गए हैं आ, शादी के एक साल बाद से मैं ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया अपनी प्रेगन, प्रेगनेंसी के लिए क्योंकि मुझे मैंने नहीं कंसीव हो पा रहा था तो पहले मैंने नोएडा से ट्रीटमेंट लिया अपना तो वहाँ मेरे कुछ टेस्ट हुए जो कि ठीक थे लेकिन मेडिसन्स के थ्रू कंसीविंग के लिए ट्राई किया मुझे हेल्प नहीं मिली उसके बाद मैंने वो डॉक्टर चेंज करके नोएडा से एक और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया कम से कम एक साल तक वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया ब्लड टेस्ट वग़ैरह हुए मेरे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी लेकिन फिर उन्होंने मुझे एच के लिए बोला तो वो मैंने एच किया उसमें मेरी ट्यूब स्पिल मतलब ब्लॉकेज वग़ैरह आई ठीक है उसके बाद मैं उन्होंने मुझे इसे बोला कि आप आई करवा लीजिए क्या ट्यूब आप ओपन करेंगे फिर वो भी सक्सेसफुल है या नहीं तो आप आई के लिए तो मैं उस इतनी जल्दी आई की तरफ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इन केस मुझे अगर लेप्रोस्कोपी से ट्यूब ओपन होकर भी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है तो मैं वो ज़्यादा प्रेफ़र कर रही थी तो उसके बाद मैंने गाज़ियाबाद के डॉक्टर से कंसल्ट किया काफ़ी अच्छे डॉक्टर वो थी काफ़ी उनको एक्सपीरियंस था वहाँ मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह किया उन्होंने मेरा ट्यूबर क्लासेस का भी आ, टेस्ट किया कि जो कि पॉजिटिव था फिर उसका मेरा सिक्स टू नाइन्थ मंथ ट्रीटमेंट चला है फिर मेरी ट्यूबर टू, क्लॉसेस क्लियर हो गई उसके बाद उन्होंने कहा आपको लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए क्योंकि ट्यूब ब्लॉक है और आई अभी मत करवाइए जब सिर्फ़ एक ट्यूब का इशू है फिर मैंने लेप्रोस्कोपी कराई ट्यूब ओपन करवाई और फिर मेरा ट्रीटमेंट आगे और चला एक दो मंथ बाद उन्होंने मेरा आईयूआई ट्राई किया है आईयूआई मेरा वो सक्सेस नहीं हुआ और लेप्रोस्कोपी हुई पर मेरी ट्यूब ओपन नहीं हुई पूरा एक प्रोसेसर मेरा चला है लेकिन उसके बाद दो मंथ बाद फिर मेरा आई यू आई हुआ कम से कम दो महीने दो साल इस ट्रीटमेंट में, में मेरे चल गए उसमें तो मेरा ट्यूबर क्रॉसेस का भी ट्रीटमेंट चला है मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ है मेरे आई यू आई हुए हैं तो मेरा जो दूसरा आई था वो सक्सेसफुल हुआ लेकिन वो मेरी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इमिडिएट मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद मैंने कम से कम छः महीने का रेस्ट किया फिर सी डॉक्टर के पास गई आगे का क्या प्रोसीज़र है तो वो कहते हैं कि आपको आईवीएफ ही ट्राई करना चाहिए अब क्योंकि आई भी आपके सक्सेस नहीं है और एक ट्यूब है तो उस पर हम चांस नहीं ले सकते हमें आई, उ, आई आप आई लीजिए फिर मैं थोड़ा सा होपलेस हो गई क्योंकि मैं आईवीएफ करवाना ही नहीं चाहती थी उसके लिए हेल्थ इश्यूज वगैरह के बारे में जो भी मैंने जानकारी है कि वो भी सक्सेसफुल रेट नहीं है उसका प्राइस काफ़ी फाइनेंशियली भी मेंटली भी उसके लिए स्ट्रॉग चाहिए उसके बाद मैं छोड़ दिया मैंने कि जब होगा देखी जाएगी तो एक दिन मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई उन्होंने मुझे बोला कि एक राजौरी गार्डन में आशा आयुर्वेद है वहाँ जाके एक बार तू विज़िट जरूर करना चाहे तू ट्रीटमेंट ले या ना ले एक बार विज़िट कर होपफुली मुझे होप है लेकिन तू भी जाना तो मैं यहाँ आई मैं आशा मैम से मिली उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के केसेस बहुत होते हैं आते हैं और सब यहाँ से अच्छे से हेल्दी बेबी कंसीव करके गए हैं फिर ठीक है उन्होंने मुझे एक मंथ उन्होंने भी एक्चुअली ये कोविड के ही बीच के टाइम था तो मैं भी ज़्यादा हॉस्पिटल के आना जाना नहीं चाहती थी तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम ऐसा सोच लेते हैं कि आपकी ट्यूब ओपन है तो हम एक ट्रीट मेडिसिन के थ्रू कंसीव का प्लान कर लेते हैं तो एक मंथ या दो मंथ मैंने मेडिसिन ली है वो भी मेरे डिले की वजह से क्योंकि मैं कोविड में नहीं करना चाहती थी फिर नहीं कंसीव हुआ तो मैम ने मुझे एच के लिए बोला है फिर मैंने एच करवाया है अगस्त में उसमें भी मेरी जो राइट ट्यूब तो मेरी रिमूव थी वो भी था और लेफ़्ट में मेरी ब्लॉकेज आई है फिर मैम ने मेरा उत्तर बस्ती के लिए मुझे बोला दो मंथ का उत्तर बस्ती आपको करवाना है फिर मैंने दो मंथ का उत्तर बस्ती करवाया वो भी मैं करवा रही थी होप तो थी शायद सबका होता है मेरा भी होगा लेकिन फिर भी जिसने एलोपैथी से सर्जरी करवा ली हो तो बिलीव नहीं होता था कि शायद ये ओपन होगा तो मैंने दो मंथ का उत्तर बस्ती लिया अभी परसों को मैंने फिर एच करवाया है मैम ने कहा कि दो मंथ कंप्लीट हो गए पहले एच रिपोर्ट देख लेते हैं क्या इशू है तो एच जो रिपोर्ट मेरी आई उसमें मेरी अब लेफ़्ट साइड की जो ट्यूब थी वो कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है और आज मैं वही दिखाने मैम के पास आई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि आपकी ट्यूब ओपन हो गई है अब हम नेक्स्ट मंथ से कंसीविंग के लिए ट्राई करेंगे तो इसी जिस तरह से मेरी ट्यूब ओपन हुई तो होपफुली आगे भी मैं कंसीव कर जाऊं और इसी होप के साथ मैं आशा आयुर्वेद से कनेक्ट रहना चाहती हूँ थैंक यू